आज क्लास 7 की एक्सरसाइज 12 डी और एक्सरसाइज 12 डी में यहाँ पर त्रिभुज से संबंधित है और त्रिभुज में उनके आधार और ऊंचाइयाँ दे रखी हैं। आधार और ऊंचाई से संबंधित त्रिभुज हैं तो यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार इनटू ऊंचाई। इस फार्मूले की सहायता से हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार इनटू ऊंचाई, ये फार्मूला आपका लगेगा और इस फार्मूले की सहायता से हमें सभी सवालों के आंसर देना है। चाहे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो या आधार निकालना हो या फिर ऊंचाई निकालनी हो। जैसे कि नंबर एक पे कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। त्रिभुज का आधार बराबर 4.2, ऊंचाई बराबर 2.1, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहला नंबर, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। त्रिभुज के आधार को ए से और ऊंचाई को एच से प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर पहले नंबर पे ए बराबर दे रखा है, ए बराबर 4.2 और एच बराबर 2.1। आधार है 4.2 और ऊंचाई है 2.1, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, तो एक बटे दो आधार 4.2 और ऊंचाई 2.1, इसको काट लो 2.1, 2.1 का गुणा 2.1 से करोगे तो बराबर आ जाएगा 4.41 सेमी स्क्वायर। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एक बटे दो आधार इंटू ऊंचाई, एक बटे दो आधार है 4.2, ऊंचाई है 2.1, 2 का भाग 4.2 में लिया तो 2.1 बार लिया, 2.1 का गुणा 2.1 से किया तो 4.41 ये हमारा क्षेत्रफल आ गया सेमी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसके क्षेत्रफल ज्ञात करना था। सेकेंड सवाल है, उसमें भी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर रिक्त स्थानों की जो पूर्ति हो रही है ये सॉल्व करके पूर्ति करनी है। आधार है 10, ऊंचाई है 8, आधार 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, तो यहां पर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 1/2 आधार 10 है, ऊंचाई 8 है, 2 × 2, 2 × 4, 8, 10 × 40 सेमी स्क्वायर। इस पर तीसरे नंबर पे त्रिभुज का आधार दिया है, क्षेत्रफल दिया है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। आधार है 6.4, आधार 6.4 सेंटीमीटर और एरिया है क्षेत्रफल 12.8 सेमी स्क्वायर, 12.8 सेमी स्क्वायर, ये आपकी एरिया दे रखी है। एरिया दिया है, आधार दिया है, ऊंचाई निकालना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 12.8 बराबर 1/2 आधार 6.4 इंटू ऊंचाई, ये दो का इसमें गुणा हो जाएगा तो 12.8 × 2 बराबर 6.4 इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर 12.8 × 2/6.4। इसकी भी दशमलव डाल, इसकी भी दशमलव डाल, 64 × 64, 64 × 128, 2 × 4, 4 सेंटीमीटर हमारी ऊंचाई। इसके बाद नंबर है चौथा। चौथे नंबर पे
त्रिभुज का आधार 12 सेमी है, एरिया 36 सेमी स्क्वायर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 सेमी स्क्वायर है, त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करनी है चौथे नंबर पे। आधार 12 सेमी, एरिया 36 सेमी स्क्वायर है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इनकी ऊंचाई, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 1/2 आधार 12 इंटू ऊंचाई, तो ऊंचाई बराबर 36 इंटू 2/12, 36 इंटू 2/12, 12 एकम 12, 12 टाइम 36, एच बराबर 3/6 सेंटीमीटर। इसके बाद बेटा पांचवा सवाल है, पांचवें सवाल में है त्रिभुज का आधार निकालना है, त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है, ऊंचाई दे रखी है, क्षेत्रफल दे रखा है, आधार निकालना है। तो एच बराबर 12/4 और एरिया बराबर 12, ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर और एरिया बराबर है 12 सेंटीमीटर, यहाँ पर आधार निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यहाँ पर हो जाएगा 12 बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार निकालना ऊंचाई 4 ले रही है, इसको ये निकाल दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 बराबर 1/2, तो a बराबर आ जाएगा 12/2, a बराबर 6 सेंटीमीटर। इसके बाद है छठवां नंबर, छठवें नंबर पे त्रिभुज का आधार निकालना है, ऊंचाई दी है, त्रिभुज का आधार निकालना है, ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल दिया गया है। तो ऊंचाई है 10.5, ऊंचाई है 10.5 सेंटीमीटर और एरिया है 42 सेंटीमीटर और इसका आधार निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई सेमी स्क्वायर है, एरिया 42 सेमी स्क्वायर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये हो जाएगा 42 बराबर 1/2 आधार इंटू 10.5, इस दो का गुणा कर लो, 42 × 84 बराबर 1 × 10.5, ए बराबर 84/10.5, 10 हटा दी, 0 बढ़ा ली, तो आधार बराबर आ जाएगा 840/105, आठवां ए बराबर आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। तो ये त्रिभुज का आधार आ गया। फिर इसके बाद है सातवां नंबर, और सातवें नंबर पे कह रहा है कि त्रिभुज का आधार x है, ऊंचाई 2x है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो त्रिभुज का आधार x से ही और ऊंचाई 2x से ही है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार x है, ऊंचाई 2x है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, x इंटू x बराबर x स्क्वायर हो जाएगा सेमी स्क्वायर, यह हमारी एरिया। तो इस प्रकार से हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई की सहायता से, इस फार्मूले की सहायता से इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहले वाले में क्या बनना है, 4.41 सेमी स्क्वायर, दूसरे वाले में 40 सेमी स्क्वायर, तीसरे वाले में 4 सेंटीमीटर, चौथे वाले में 6 सेंटीमीटर, सातवें वाले, छठवें वाले, पांचवें वाले में 6 सेंटीमीटर,
छठवें वाले में 8 सेंटीमीटर और इसके बाद सातवें वाले में x स्क्वायर सी स्क्वायर ये आपको भरना है। तो इस तरीके से सॉल्व करके तब हम रिक्त स्थानों की पूर्ति करेंगे। इस प्रकार से सवालों को लगाएंगे। इसके बाद दूसरा नंबर है, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेमी स्क्वायर है। यदि उसकी ऊंचाई 8 सेमी है तो त्रिभुज का आधार बताइए। एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 48 सेमी स्क्वायर है, 48 सेमी स्क्वायर है और इसकी जो ऊंचाई है ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर है तो हमें त्रिभुजाकार क्षेत्र की आधार ज्ञात करना है। तो एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और इसका क्षेत्रफल है 48 बराबर 1/2 आधार निकालना है और ऊंचाई 8 है। 2 × 2 = 8 तो आधार इंटू 4 बराबर 48 के तो आधार बराबर हो जाएगा 48/4। आधार बराबर 4 × 4 4 × 8 बराबर 12 सेंटीमीटर। उस त्रिभुजाकार क्षेत्र का आधार जो है वो 12 सेंटीमीटर है। सवाल नंबर तीसरा, एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है। एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से दुगनी है त्रिभुज की ऊंचाई तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज का आधार 5 सेमी है, एक त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर है, त्रिभुज की ऊंचाई आधार इंटू 2 दुगनी हो जाएगी तो 5 × 2 बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आधार 5 है, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई और त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार कितना है 10, ऊंचाई है 5, 2 × 10 25 या जाएगा 25 सेमी स्क्वायर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। इसके बाद सवाल नंबर चौथे में कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिभुजाकार क्षेत्र में क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाइयां दे रखी हैं। नंबर एक, आधार जो है वो 15 सेंटीमीटर है बराबर 15/100 बराबर 0.15 मीटर आ जाएगा, इनको मीटर में बना लेना है। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर जो होता है तो 15 सेंटीमीटर बराबर 15/100 बराबर 0.15 मीटर हो जाएगा और ऊंचाई 8 सेमी है। यहाँ पर आ जाएगा 8/100 बराबर 0.08 मीटर।
तो आपका आधार 0.15 मीटर और ऊंचाई 0.08 मीटर है। अब हम लगा देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई 1/2 0.15 इंटू 0.08। दूसरी कार दो 0.04, यहाँ पर हो जाएगा 15 × 60 और दशमलव लगेगी 2 × 4 के दशमलव 0 मीटर स्क्वायर। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 0.006 मीटर स्क्वायर त्रिभुज का क्षेत्रफल है। फिर इसके बाद सेकेंड नंबर, इसको ये लिख सकते हो 0.006 मीटर स्क्वायर। क्योंकि अंक के बाद अगर कोई अंक नहीं है और जीरो है तो उसका कोई महत्व नहीं होता है, तो यहाँ पर 0.006 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। फिर अगले सवाल में आधार है 7.5 सेमी, आधार 7.5 सेमी, 7.5/100 बराबर 0.075 मीटर। इसके बाद ऊंचाई, ऊंचाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 4/100 0.04 मीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 0.075 0.04 दो से काट दो 0.02 75 × 150 दशमलव लगेगी 1, 2, 3, 4, 5 पांच अंक दशमलव लगेगी बराबर हो जाएगा 0.00015 मीटर स्क्वायर या की एरिया। इस पर तीसरा नंबर है, तीसरे नंबर पे कह रहा है कि आधार 1.5 मीटर है, ऊंचाई 0.8 मीटर है। आधार 1.5 मीटर और ऊंचाई 0.8 मीटर है। अब आधार और ऊंचाई दोनों क्या में है, मीटर में है, यहाँ पर मीटर में नहीं बदलना, मीटर में तो पहले से है, तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लगा देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, तो 1/2 आधार 1.5 ऊंचाई 0.8 0.4 15 × 7 1, 2 अंक दशमलव लगा दो बराबर 0.6 मीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल निकला है। इसके बाद चौथा नंबर है इसी का, चौथे नंबर पे कह रहा है कि आधार 32 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है। आधार 32 सेंटीमीटर 32/100 बराबर 0.32 मीटर और ऊंचाई 105 सेंटीमीटर है, 105/100 बराबर 10.5 मीटर 1.05 मीटर 1.05 मीटर। तो आधार 0.32 मीटर, ऊंचाई 1.05 मीटर, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार है 0.32, ऊंचाई है 1.05, 0.21 बचा हमारा जाकर के 1 × 12 गुणा कर देंगे 16 × 105 से कर दो, पहले 100 × 80 और 16 × 16 2 × 4 दशमलव लगा दो तो बराबर आ जाएगा
स्क्वायर, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल याद करने हैं, जैसा कि अभी हमने आपको पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे सवाल में त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करवाए हैं, इसी प्रकार से आगे भी ज्ञात कराएंगे, लेकिन पार्ट नंबर एक पर हम एक से लेकर के आज चार तक लगाएंगे।